हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेट्स एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये आपका अगला चैप्टर है। इसके पहले कि हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा फिक्शन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में ड्रामा का ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनसे रिलेटेड जो चैप्टर हैं, पोएट एंड पॉपर और एकोर जो बचा हुआ है, तो वो हम अभी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7 मई 1861। ठीक है, 7 मई 1861, ये याद रखिएगा आप। और जो ये इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941। ठीक है, अब यहाँ से आप याद कैसे रखिएगा, 80 ईयर का डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, 80 साल तक ये जिए थे। अब 80 अगर आप 61 याद रख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 41। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है 1861 से 1941, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, देखिए 80 ईयर का, बराबर। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो पेरेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इनके पेरेंट्स का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इनका वैसे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाएगा, पर अगर पूछ लिया जाए तो आप बता देना 1817 से लेके 1905 तक। ठीक है, 1817 to 1905, ये इनका पेरेंट्स जो थे 1817 से लेके 1905 तक का था। इसके अलावा इनकी मदर का नाम था शारदा देवी और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1830 से 1875। ठीक है, इनकी एज बहुत कम रही है, ओनली 45 ईयर। ठीक है, 30 से लेके 75 तक। चलिए अगर हम आगे बात करें, एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो देखिए ये क्या क्या करते थे। ये एक राइटर थे, ठीक है, ये एक सॉन्ग कंपोज़र थे, ये प्ले राइट थे, इजीएस थे, पेंटर थे। ठीक है, म्यूज़िक का भी इनको शौक था, एज वेल एज इंडियन आर्ट। मतलब कि अगर देखा जाए तो ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन। ये वर्ड भी आप साथ ही साथ में याद रखिएगा, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है। वर्सेटाइल आपके एग्ज़ाम में 100% आ सकता है, क्योंकि वर्सेटाइल किसको बोलते हैं कि द पर्सन हु पजेज मैनी टैलेंट्स। ठीक है, तो ये वर्ड आप खास करके याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि हु पजेज मैनी टैलेंट्स। ये वर्ड आपके जरूर एग्ज़ाम में आएगा और आपको मेरी याद आएगी कि सर ने बताया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत वर्ड है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो वर्सेटाइल का मतलब होता है हु पजेज मैनी टैलेंट्स, मतलब जो जिसके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टैलेंट होता है, दैट इज़ कोल्ड वर्सेटाइल। ठीक है, साथ ही साथ में चलिए एक और बता देता हूँ आपको, एक और वर्ड आप याद रखिएगा, वेटरन। क्या याद रखेंगे, वेटरन, VETERAN। वेटरन का मतलब होता है द पर्सन हु नोज हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जिसको एक अच्छा अनुभव हो जाता है किसी भी फील्ड में। जैसे कि आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज 8 साल हो गए, मैंने 2010 से पढ़ाना स्टार्ट करा था, आज 18 चल रहा है। ठीक है, तो मुझे इस फील्ड में अनुभव हो गया, तो आई एम वेटरन। ठीक है, मैं क्या कहलाऊँगा, वेटरन, अनुभवी। ठीक है, तो हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इसको हम बोलते हैं वेटरन। तो ये क्या थे, ये वर्सेटाइल थे। वर्सेटाइल मतलब ही पजेसेस मैनी टैलेंट्स। ठीक है, ये बहुत सारा टैलेंट था इनके पास में, ये सिंगर भी थे, ये इजीएस थे, ये पेंटर थे, ठीक है, पेंटिंग भी करते थे, ये सॉन्ग कंपोजर थे, ये राइटर थे, ये प्ले राइट थे। ठीक है, इस टाइप के पर्सन थे ये। आगे लिखा है, ही रिसेप्ट बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक एज वेल एन इंडिया आर्ट। ठीक है, ये बंगाली लिटरेचर थे। ठीक है, इसके अलावा ये इंडियन आर्ट भी करते थे, इंडियन आर्ट जो था वो भी करते थे, और म्यूजिक। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। आगे लिखा है, ही बिकेम इन 1913 द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। सबसे पहले, मतलब कि ये एक पहले नॉन यूरोपियन थे, ठीक है, जिन्होंने 1913 में नोबल प्राइज़ लिया था लिटरेचर में। ठीक है, तो ये पहले एशियाई थे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो, जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। तो आप याद रखिएगा इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो आप डेट याद रखिएगा 1913। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, मैंने जितने भी निकाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नोन मोस्टली फॉर हिज पोइट्री। ठीक है, पोइट्री के लिए ये जाने जाते हैं।
टैगोर रोट नॉवेल्स, इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं इन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, ठीक है, ट्रेवलॉग्स लिखे हैं इन्होंने, ड्रामास लिखे हैं, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स, और बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं। इनकी पोएम्स भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनके जो प्ले हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज़ के अलावा इन्होंने नॉवेल्स, ठीक है, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज, ट्रेवलॉग्स, ड्रामास एंड सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले 1861 इनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 1941 डेथ इनकी जो डेथ हुई थी 1941 में, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिताजी का नाम है, शारदा देवी इनकी माता का नाम है। ऑक्यूपेशन इनका राइटर, सॉन्ग कंपोजर, आप वर्सेटाइल याद रख लेना, मेनी टैलेंट। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, और ये जाने जाते हैं मोस्टली इनके पोइट्री के लिए, ठीक है। अब इनके पढ़ते हैं कोट्स, देखिए कोट्स क्या क्या है, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लीजिएगा यहाँ से। ये देखिए, पहला इन्होंने बोला था कि अ माइंड ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लड, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेज इट। अब बताइए आपको क्या समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि अ माइंड ऑल लॉजिक इज़ लाइक अ नाइफ ऑल ब्लड। एक माइंड में जो हमारे पास जितने भी लॉजिक है वो एक तरह से कैसे हैं, एक नाइफ की तरह, जो पूरा एक तरह से ब्लड है, तीखा है। एंड इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूजेज इट, और जो भी इस नाइफ का यूज़ करता है उसी के हाथ ब्लीड हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल योर लॉजिक इन योर माइंड, ठीक है, मतलब कि जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो 100% होगा, और सोच रहे हैं नहीं होगा तो 100% नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, आपके माइंड को किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है, यू कांट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये आपके ऊपर बताता हूँ मैं, संविदा शिक्षक वाले लोग, आप एक समुद्र के जस्ट पास में खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से बस देख रहे हैं ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए कि मैं इसको पार कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे खड़े खड़े से सोच रहे हैं कि मैं ये पार कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, जैसे सर ये क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, ठीक है, या फिर क्या मालूम किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा टफ आ जाएंगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ओनली यू सी द सी, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, जो समुद्र है उसका जो वाटर है बस उसको देख रहे हैं खड़े खड़े, लेकिन आपको वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है वो पढ़िए आप, कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप अगर वहाँ पे खड़े खड़े एक वाटर को केवल देखते रहेंगे, पानी को देखते रहेंगे, तो उससे आप समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। समुद्र को क्रॉस करने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, और जब आप कदम दर कदम उठाएंगे तब जाके आप उस पार पहुँचेंगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम है संविदा शिक्षक की, ये भी कुछ ऐसी है, ठीक है, कि अब अगर यहाँ पे आप खड़े हो गए और सारी बातें आप सोचने लग गए कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये जो मैं कोड पढ़ा रहा हूँ ये नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो ये एक अलग बात हो गई, ठीक है। आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके आप एक गोल पे पहुँच पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। अगला लिखा है, अब मैं पढ़ देता हूँ, क्लाउड्स कम फ्लोटिंग इन टू माई लाइफ नो लॉन्गर टू कैरी रेन और यूजर स्टॉम बट टू एड कलर टू माई सनसेट स्काई, ठीक है। ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक बार पढ़ता हूँ, क्लाउड्स कम फ्लोटिंग इन टू माई लाइफ नो लॉन्गर टू कैरी रेन और यूजर स्टॉम बट टू एड कलर टू माई सनसेट स्काई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि ज़्यादा समय तक बारिश नहीं रही लेकिन एक तरह से जो सनसेट जो स्काई था उसमें एड कलर एड हो गए थोड़ी सी देर की बारिश से, ठीक है। क्लाउड कम फ्रॉम फ्लोटिंग इन माई लाइफ। अगला है, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ, ठीक है। द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ। अगला है, फेथ इन द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। तो ये आप कुछ कोट्स हैं, ये याद रखिएगा, अभी बहुत सारे हैं, अभी अपने बहुत सारे पढ़ने हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। डेथ इज नॉट एक्सटिंग्विश द लाइट, इट इज़ ओनली पुटिंग आउट द लैम्प बिकॉज द डॉन हैज़ कम, ठीक है। डॉन का मतलब होता है उदय,
ठीक है, जो सुबह सुबह का जो समय होता है उसको हम डान बोलते हैं। तो डेथ जो है इज़ नॉट एक्सटिंग्विश द लाइट, इट इज़ ओनली पुटिंग आउट द लैम्प बिकॉज द डाउन हैज़ कम। ठीक है, जो डेथ है वो एक तरह से क्या है कि लैम्प को पुट मतलब बंद करना है, पुट आउट करना है, क्योंकि नया सवेरा जो है वो आ चुका है। तो डेथ कोई हमेशा रहने वाली नहीं है, ये तो एक तरह से क्या है कि नया सवेरा आ रहा है, इसलिए हमको लाइट को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। आगे है, आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वॉज जॉय। ठीक है, आई अवोक एंड सा दैट लाइफ वॉज सर्विस एंड आई एक्टेड एंड बी होल्ड सर्विस वॉज जॉय। ठीक है, तो आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ वॉज जॉय। जब मैं सोता हूँ, जब मैं सपने देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि लाइफ जो है बहुत ही एक तरह से जॉय है, इन्जॉयफुल है। जब मैं जगता हूँ, आई अवेक एंड सा दैट लाइफ वॉज सर्विस, तो मुझे देखना पड़ता है कि लाइफ तो एक सर्विस है, मुझे काम करना पड़ेगा। एंड आई एक्टेड एंड बी होल्ड, और जब मैं काम करता हूँ तब पता चलता है कि सर्विस वॉज जॉय। तो मज़ा जो है वो किस में है, सर्विस में है। ठीक है, लेट योर लाइफ लाइटली डांस ऑन द एजेस ऑफ टाइम लाइक ड्यू ऑन द टिप ऑफ अ लीफ। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, लेट योर लाइफ लाइटली डांस ऑन द एजेस ऑफ टाइम लाइक ड्यू ऑन द टिप ऑफ अ लीफ। एवरी चाइल्ड कम्स विद द मैसेज दैट गॉड इज़ नॉट येट डिस्करेज ऑफ मैन। ये भी बात सही है, जो हर बच्चा जो आ रहा है, एवरी चाइल्ड कम्स विद द मैसेज दैट गॉड इज़ नॉट येट डिस्करेज ऑफ मैन। जो भगवान है वो ऐसा नहीं है कि आपको डिस्करेज करना चाहता है, वो तो आपको करेज करना चाहता है। हर बच्चा जो आता है उससे आपको ये पता चलता है कि जो भगवान है अस्तित्व में है, और वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस नई धरती को और नई नई चीज़ों को बनाते जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ से दूत एक तरह से भेजते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का कोट है। आगे बात बात करते हैं, ये देखिए इनका आर्ट वर्क भी आपको बताता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है इनका, ये देखिए। ठीक है, ये इनका आर्ट वर्क है, ये इन्होंने बनाया था। इसके अलावा डांसिंग वुमेन इनकी इनका प्ले था, ये आया था 1928 में। ठीक है, डांसिंग वुमेन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हेड स्टोरी है, ये ज्योमेट्रिक, ये आई थी आपकी 1928-1929 में। ठीक है, हेड स्टोरी ज्योमेट्रिक। इसके अलावा फेमस बुक्स इनको बता देता हूँ मैं, गीतांजलि। तो गीतांजलि के बारे में आपको पढ़ना है, ये इनकी बुक है, ये एक पोएम ऑफ कलेक्शंस है गीतांजलि। इसमें बहुत सारी पोएम्स आती है अलग अलग, ये कोई एक पोएम नहीं है गीतांजलि, इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स है। टैगोर रिसीव्ड द नोबल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर लार्जली फॉर द बुक। इस बुक के लिए उनको नोबल प्राइज़ मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। एंड ओरिजिनली पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुई थी 1910 में, और ये पब्लिश हुई थी इंग्लिश में 1912 में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी और फेमस बुक है, इनके लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। दूसरी बताता हूँ मैं आपको, घर और बाहर। ठीक है, घर और बाहर, ये पब्लिश हुआ था 1916 में। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है एंड द बुक इलस्ट्रेट द बैटल टैगोर हैड विथ हिमसेल्फ। ये जो बुक है ये बताती है टैगोर के बारे में कि द बैटल टैगोर हैड विथ हिमसेल्फ, जो खुद के साथ में जो उनका बैटल था, बैटल का मतलब था युद्ध। ठीक है, युद्ध से मतलब स्ट्रगल। ठीक है, बिटवीन द आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड रिवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। जो वेस्टर्न कल्चर के बारे में थोड़ा सा है, वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता जो है, ठीक है, उसके बारे में कुछ है। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। ठीक है, तीसरा इसका याद रखना, अभी कब आया था, 1916 में पब्लिश हुआ था। तीसरा गोरा, गोरा पब्लिश हुआ था 1910 में। ठीक है, ये भी इनका प्ले है। गोरा इज ये नॉवल है, सेट इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता पे बेस्ड है ये। इन 1880 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश राज जो था उस समय का है ये। इट इज़ रिच इन फिलोसॉफिकल डिबेट ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एंड इट इज़ द फिफ्थ इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ टैगोर्स 12 नॉवेल। जो टैगोर के जो 12 नॉवेल हैं उसमें ये सबसे बड़ा है गोरा। ठीक है, और ये पाँचवा है। ठीक है, उन 12 में से पाँचवें नंबर का है। इसके अलावा है चौकरबाली, ये पब्लिश हुआ था 1903 में, बंगाली नॉवेल है। ठीक है, ये एक तरह से विनोदिनी और उनके रिलेशनशिप और विथ थ्री इंडिविजुअल्स, तीन इंडिविजुअल्स के बारे में उनकी जो रिलेशन है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है।
पाँचवें नंबर पे है द पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस पब्लिश हुआ था 1912 में, ठीक है, और ये भी बंगाली लैंग्वेज में है। द पोस्ट ऑफिस इज़ अ 1912 प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट कंसर्न अमल, अ चाइल्ड कन्फाइंड टू हिज एडोप्टिव अंकल्स होम बाय एन इनक्यूरेबल डिसीज, ठीक है। W. Andrew Robinson and Krishna Dutt note that the play continues to occupy a special place in Tagore's reputation both within Bengal and it in the wider world. तो ये भी आप याद रखिएगा, द पोस्ट ऑफिस 1912 का है और ओरिजिनल लैंग्वेज है इसकी बंगाली। अगला है द रिलीजन ऑफ मैन। द रिलीजन ऑफ मैन तो ये पब्लिश हुआ था 1931 में। इसके बाद में द रिलीजन ऑफ मैन इज अ 1931 कॉम्पिलेशन ऑफ लेक्चर बाय रविंद्रनाथ टैगोर एडिटेड बाय हिम एंड ड्रॉन लार्जली फ्रॉम हिज हिबर्ट लेक्चर्स गिव्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन मई 1930। तो द रिलीजन ऑफ मैन ये जो हुआ था ये पब्लिश हुआ था 1931 में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं काबुलीवाला। काबुलीवाला इज़ अ बंगाली शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1892, ठीक है, तो ये 1892 में आया था। द स्टोरी ऑफ अ पश्तन मर्चेंट फ्रॉम काबुल हु कम्स टू कलकत्ता इंडिया ईच ईयर फॉर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स एंड वाइल लिविंग इन इंडिया ही बिकम्स फ्रेंड्स विद अ 5-year-old गर्ल मिनी फ्रॉम अ मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। देखिए ये एक तरह से पश्तन मर्चेंट जिसका नाम है जो काबुल से है और वो कलकत्ता आता है और यहाँ पर फ्रूट ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए आता है, ठीक है, वो इसके 5-year-old गर्ल इसकी जो एक फ्रेंड है, ठीक है, 5 साल की है, ठीक है, मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेट फैमिली से है, उसके साथ में यहाँ पे रहता है, तो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। इसके अलावा अगली स्टोरी आपकी चतुरंगा, ये पब्लिश हुआ था 1916 में, वाइडली कंसिडर लैंडमार्क इन बंगाली लिटरेचर। ये सारा मटेरियल मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनको तो हालांकि ये मिल जाएगी, पर अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाए हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9977651282। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह नोट्स वगैरह लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगी, और अगर आपने नहीं लिए हैं तो आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप भी देखना उस वीडियो को, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। उसमें मैंने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा था उस वीडियो में, और ये क्वेश्चन था शी कट वेजिटेबल, ये वाला क्वेश्चन था शी कट वेजिटेबल। तो आप देखिएगा ग्रामर का क्वेश्चन था ये, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारी ग्रामर तो अच्छी है, लेकिन उसके आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट पढ़िएगा उस वाले वीडियो के। अभी कल ही मैंने वो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था, 45 डेज स्ट्रेटेजी, तो उसमें व्यू रचना रणनीति के नाम से था वो। अब उसमें अधिकतर लोगों के मतलब 50% से ज़्यादा लोगों के गलत उत्तर थे, ठीक है, जो भी उत्तर था अभी वो मैं बताने वाला हूँ उसका सही उत्तर क्या है। तो आप खुद भी उसमें जाके कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे उसको कि उसका सही जवाब क्या है। तो मैं देख के स्तब्ध रह गया कि 50% से ज़्यादा लोगों के गलत आंसर, मतलब एक छोटे से क्वेश्चन के, कि शी कट वेजिटेबल का नेगेटिव बताना था उसमें बस। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको ज़्यादा हाई लेवल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम कि, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर द स्टोरी ऑफ नॉवेल फॉलोज द जर्नी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड श्रीविलास द नरेटर हिज मीटिंग विथ हिज बेस्ट फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड सचिज द स्टोरी ऑफ दामिनी अ विडो एंड जाति मशोई एंड आइडियलिस्ट पर्सन, ठीक है। तो ये जो जत मोशाई जो था ये, इसके अलावा दामिनी अ विडो एक विधवा थी, और इसके अलावा जो श्री बिलास था उसके जो फ्रेंड्स थे, तो इन सब के बारे में ये चतुरंगा की स्टोरी है। तो ये तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे बात करते हैं ग्लिम्स ऑफ बंगाल, एक और इनका प्ले था ग्लिम्स ऑफ बंगाल, ये पब्लिश हुआ था 1921 में। आप इनकी डेट याद रखिएगा बस, या फिर ऐसे भी आपको ये भी याद रखना है कि ग्लिम्स ऑफ बंगाल किसका प्ले था, तो आपको बताना पड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि इन चार में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का प्ले है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लिम्स ऑफ बंगाल इज ए डिलाइटफुल एंड मस्ट रीड कलेक्शन ऑफ लेटर रिटन इन 1890, ठीक है। इसके अलावा द पोस्ट मास्टर पब्लिश हुआ था 1994 में, ठीक है। ये स्टोरी बाय रविंद्रनाथ टैगोर कंसर्न एन अननेम्ड पोस्टमास्टर हु इज असाइन टू अ रिमोट पोस्ट ऑफिस इन ए स्मॉल रूरल इंडियन
विलेज, एक रूरल एरिया में एक पोस्ट मास्टर की पोस्टिंग थी, तो उसके ऊपर एक बना हुआ प्ले है द पोस्ट मास्टर, ये हुआ था 1994 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, अब ये तो आपका हो गया पूरा रविंद्रनाथ टैगोर, अब हम अगली स्टोरी स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, द पोइट एंड पॉपर। और कल मैंने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से आप 45 डेज जो आपके पास बचे हैं उसमें इजी वे में आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।